टू ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में. तो मेनली हम दो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे यहाँ पे. वन वॉज गिवन बाय जे जे थॉमसन एंड सेकंड वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड. तो सबसे पहले हम जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखते हैं. जे जे थॉमसन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एटम एक स्फेरिकल शेप का एक बॉल टाइप होता है. बॉल होती है बेसिकली, एटम एक स्फेरिकल बॉल होती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. पहला पॉइंट उन्होंने बोला. दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड होता है नेगेटिव चार्ज इस तरीके से. और इसलिए ये जो जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. क्यों? उन्होंने क्योंकि ये अज्यूम करा था कि सपोज अगर हम ये माने कि ये जो आउटर पॉजिटिव स्फीयर है उसको या तो उसको अगर मैं प्लम या वाटरमेलन की तरह ट्रीट करूं तो जो मेरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है दे आर जस्ट लाइक द प्लम ऑफ सीड्स इन द वाटरमेलन. तो उसके बाद जब देखा गया तो इन्होंने एक बात और कही कि मास ऑफ द एटम जो है, जो एटम का जो मास है वो थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, तो इन्होंने तीन चीजें कही. पहली बात कि एटम एक स्फेरिकल शेप की बॉल होती है, दूसरी कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के अंदर, और तीसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, और लास्ट क्या कहा था कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम. बट जब आगे थोड़े टाइम बाद जब और डिस्कवरीज होने लगी तो जे जे थॉमसन मॉडल फेल हो गया. वो भी हम देखेंगे आगे कि क्यों फेल हुआ. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बीच में जो टाइम था उसमें कुछ डिस्कवरीज हुई. एक साइंटिस्ट थे रॉन्टजेन, उन्होंने एक्सरेज डिस्कवर की. उन्होंने कैसे डिस्कवर की, जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें माइकल फैराडे ने एनोड को, हमारी एनोड जो थी उसको परफोरेट करा था और उसके थ्रू जो कैथोड रे पास हुई थी और जब जो पार्टिकल्स है कैथोड रे के उन्होंने स्ट्राइक करा था जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या हुई थी, ग्लो करी थी. तो रॉन्टजेन ने बोला कि ऐसी कुछ रेज हैं जो पेनिट्रेट कर सकती हैं बहुत अंदर तक किसी ऑब्जेक्ट के. ये ऐसी कोई रेज है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व करा और देखा और बोला कि ऐसी एक रेज है जो बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट के. उस टाइम पे इन्हें कुछ नाम ही पता लगा कि क्या नाम है इन रेज का या क्या नाम दे सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया एक्स रेज. तो जो रेज डिस्कवर की थी रॉन्टजेन ने उनका नाम क्या रखा गया, फिर एक्स रेज. फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ और साइंटिस्ट आए जैसे मैरी क्यूरी, पीरी क्यूरी और रदरफोर्ड. उन सब ने क्या देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं या कुछ ऐसी रेज भी होती हैं जो खुद ही कुछ पार्टिकल्स एमिट करती हैं, कुछ रेज एमिट करती हैं. ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहा गया, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव रेज, कि जो खुद ही कुछ टाइप की रेज या कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं. उसके बाद इन्होंने क्या देखा, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर करा. उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने डिस्कवर की थी तीन टाइप्स की रेज, वो क्या थी, अल्फा बीटा एंड गामा रेज. और इन्होंने डीपली, फिर रदरफोर्ड ने डीपली स्टडी करा इन तीनों की प्रॉपर्टीज को. तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि अल्फा रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेज, बीटा रेज वर नेगेटिवली चार्ज रेज एंड गामा रेज वर न्यूट्रल. तो इन्होंने क्या कहा कि अल्फा रेज आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज आर जस्ट लाइक प्रोटॉन एंड गामा रेज आर जस्ट लाइक न्यूट्रॉन. उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अल्फा रेज पे 2 units का पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 units इनका मास होता है. तो उन्होंने कहा कि अल्फा रेज आर जस्ट सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस, कि जिसपे 2 units का पॉजिटिव चार्ज है और 4 units उसका मास है. और बीटा रेज हमारी नेगेटिवली चार्ज रेज बोली, और गामा रेज को उन्होंने देखा, ऑब्जर्व करा, डिस्कवर करा. तो उन्होंने कहा कि गामा रेज आर हाई एनर्जी न्यूट्रल रेज. फिर उन्होंने पेनिट्रेटिंग पावर देखी. पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि सपोज मेरा ये बोर्ड है, ठीक है, और यहां से मेरी रेज आ रही है, तो ये रेज जो है ये कितना अंदर तक जा सकती है बोर्ड के, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर. तो जब रदरफोर्ड ने पेनिट्रेटिंग पावर कैलकुलेट की तो उन्होंने ऑब्जर्व करा
कि अल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, फिर बीटा रेज की और गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट। यानी कि गामा रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रदरफोर्ड ने अल्फा रेज डिस्कवर कर दी, फिर उन्होंने अपना एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स लिए, इकट्ठे अल्फा पार्टिकल्स लिए, हीलियम न्यूक्लियस लिया और क्या करा, उसको पास करा एक गोल्ड फॉयल के थ्रू। यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल रखी, उसको अच्छे से कवर करा और उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम को पास करा, बॉम्बार्ड करा गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये बीम थी अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे ही चले गए, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उनके पाथ में। फिर उन्होंने और उन्होंने क्या देखा कि कुछ बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, यानी कि कोई ऐसे चला गया, बहुत कम अमाउंट था ऐसे अल्फा पार्टिकल्स का जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे या डेविएट हुए थे अपने बीम के पाथ से। और उन्होंने एक और चीज के देखी कि 1 in every 20,000 कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गया था, जो टोटली 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस अपने पास नोट की और फिर उन्होंने इसे क्या कंक्लूजन दी, उन्होंने कहा था कि अगर हमने जैसा ऑब्जर्व करा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि एटम के अंदर का बहुत मतलब काफी ज्यादा स्पेस खाली होगा। खाली क्यों होगा, क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड पास हुई, यानी अनडिफ्लेक्टेड तभी पास हो सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स अगर खाली हो, अगर उनको कोई भी रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। तो इस वजह से हमारे यहाँ इस ऑब्जर्वेशन से, रदरफोर्ड की इस ऑब्जर्वेशन से हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। क्यों, क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने कहा था कि मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब रदरफोर्ड ने कहा कि अगर हम थॉमसन की बात माने कि मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर हमारे इतने सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड कैसे पास हो सकते हैं। इसका मतलब तो है कि कुछ स्पेस खाली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस खाली होनी चाहिए एटम के अंदर। तो इसलिए हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। फिर उन्होंने अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाली, उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कि उन्होंने बोला कि बहुत ही एनॉर्मस लार्ज रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि अगर सपोज कोई चीज ऐसे सीधा मूव कर रही है मेरी तरफ, अगर मैं उस पर कोई फोर्स ना लगाऊं तो वो ऐसी मूव करती रहेगी। अब अगर ये जो पेन है ये ऐसे मूव कर रहा है मेरी तरफ इस तरीके से और मैंने इस पर फोर्स लगाई, तभी ये डेविएट होगा अपने पाथ से। तो उन्होंने कहा क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए थे थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी कि बहुत ही लार्ज रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, तभी ये डिफ्लेक्ट हुए हैं स्मॉल एंगल्स से। और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, जैसा कि थॉमसन मॉडल ने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज विद इन द एटम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है हमारी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स पे। क्या कहा उन्होंने कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, इट इज नॉट स्प्रेड, वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर, जिसकी वजह से वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स पे, जिसकी वजह से वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, एग्जर्ट कर रहा है। तीसरी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी कि 20,000 में से हर एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाली कि जो वॉल्यूम है मेरे न्यूक्लियस की वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, तभी 20,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली बाउंस बैक हुआ, ठीक है। और उन्होंने ये भी निकाला कि जो उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके हमें एक्चुअल रेडियस भी बताया था, उन्होंने कहा कि
एटम का रेडियस होता है समवट अराउंड 10^-10 मीटर और न्यूक्लियस का रेडियस होता है समवट अराउंड 10^-15 मीटर. तो ये देख रहे हैं 10^5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटी सी पार्ट है. यानी कि अगर मेरा एटम सपोज इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस सिर्फ इतना सा है. इसीलिए मेरा सिर्फ एक ही पार्टिकल ऐसा था इतने सारे पार्टिकल्स में से जो कम्प्लीटली बाउंस बैक हुआ. तो रदरफोर्ड ने क्या, रदरफोर्ड टॉमिक मॉडल में क्या था कि पहली चीज कि जो हमारा एटम है उसके अंदर का मैक्सिमम स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है एटम के अंदर हमारा. और जो दूसरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सेकंड पॉइंट क्या था कि जो हमारा पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पर और उस जगह को, उस स्फीयर को जिसमें पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है या पॉजिटिव चार्ज जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड है उन्होंने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस. उन्होंने कहा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पर, एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. और तीसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कहीं पे भी नहीं पड़े रहते एटम के अंदर. उन्होंने कहा कि सपोज अगर ये मेरा एटम है, ये उसमें न्यूक्लियस है जहां पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स के अंदर अपने अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अराउंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं. उन्होंने ये कहा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, हर इलेक्ट्रॉन अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट में इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है. और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं और ये मेरा जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो एक जगह पर है, जो एक ही जगह पर है और इसके अराउंड जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों चीजें जो एग्जिस्ट कर रही हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ इस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं. उन्होंने ये तीन पॉइंट्स दिए थे अपने एटॉमिक मॉडल में. अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहाँ पे फेल हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से मूव कर रहा है और अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट में. अब हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमेगी उसका एक्सेलरेशन वो हमेशा एक्सेलरेट होगी, या तो वो एक्सेलरेट होगी या वो डेसीलरेट होगी, दोनों में से एक चीज जरूर होगी भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो. एक्सेलरेशन क्यों होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो उसके हिसाब से फिर साइंटिस्ट ने कहा कि अगर एक्सेलरेशन होगी तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है ऑर्बिट में, तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि फिर एक टाइम एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी लो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन सीधे आकर इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा. अगर बोर ने, अगर जो हमारे रदरफोर्ड है उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसके अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और अगर हम फिजिक्स लगाएं इसमें, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी लो हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. तो ऐसे एटॉमिक मॉडल का तो कुछ फायदा ही नहीं है. तो यहाँ पर आकर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की, वो ये बता नहीं पाई कि एटम अगर इस तरह से एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वो स्टेबल कैसे है. तो मेन रीजन क्या था इसका रदरफोर्ड मॉडल फेल होने का, या ड्रॉबैक जो हम कहें कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. दिस वॉज आर रदरफोर्ड मॉडल. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में. सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे. एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जेड से. और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जैसे सपोज मेरा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. तो एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है. अब बुक में दिया हुआ है कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट उसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है कि इन न्यूट्रल एटम.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा कभी भी एटम से बाहर जा सकता है और एक एटम जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, तो इसलिए हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमेशा जो मेरा एटॉमिक नंबर होगा वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ जब होगा जब मेरा जो एटम है जिसका बारे में हम बात कर रहे हैं वो न्यूट्रल है, तभी एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। अब दूसरी चीज मास नंबर, मास नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर मींस एटॉमिक मास। मास नंबर का मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि मास नंबर मींस मेरा जो जितने भी मेरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन द न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर। एक क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, प्रॉब्लम नंबर एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.1। अब जैसे ब्रोमीन ऐसे लिखा है तो अब जो भी चीज यहाँ पे नीचे लिखी होती है लेफ्ट साइड में जो भी चीज नीचे लिखी होती है जो भी नंबर उसको हम बोल वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर और ऊपर जो लिखा होता है वो होता है हमारा मास नंबर। आपको सिंबल ऐसे ही दिया जाएगा, तो ये जो नीचे जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ जो होता है वो होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने भी बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 35। अब मैंने बताया कि मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मेरे पास है, मास नंबर मेरे को गिवन है 80, प्रोटॉन्स है 35, तो मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, 80 माइनस 35 कितना हो गया 45। आगे चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 45, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35। अब क्योंकि मेरे को न्यूट्रल ब्रोमीन के बारे में पूछा गया है, तो जब भी एटम कोई भी न्यूट्रल होता है तो उसमें भी पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 35, दैट्स द आंसर। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहीं पर, वो क्या है हमारा आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स के बारे में तो हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, जिसका हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 1 होता है उसको हम कहते हैं प्रोटियम, फिर 2 वाले को कहते हैं ड्यूट्रियम और 3 वाले को कहते हैं ट्रिटियम। तो इन तीनों में ही एटॉमिक नंबर मेरा सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ऐसे एलिमेंट्स का कहते हैं, ऐसी चीजों का कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे चीजें जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो।